वेलकम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका पेपर है हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन पहले सेमेस्टर में। इसके पहले के सारे चैप्टर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। लास्ट चैप्टर आज हम लोग पढ़ रहे हैं नई तकनीक और सिनेमा, संभावनाएं और चुनौतियां। इस पार्ट का बेटा मैं पहले भी वीडियो बना चुकी थी, लेकिन आज मुझे पता चला कि उसमें 18 मिनट के बाद साउंड नहीं है, इसलिए मैं इसको दोबारा से बना रही हूँ आपके लिए। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए यहाँ से और समझ लीजिए। कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेटे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग पाठ, नई तकनीक और सिनेमा, संभावनाएं और चुनौतियां। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय कलाओं में आज सिनेमा सबसे ज्यादा लोकप्रिय कला बन चुकी है। चाहे हम फिल्मों के शौकीन हैं या नहीं है, कुछ फिल्में हमने जरूर देखी हुई होती है और समाज का प्रत्येक वर्ग सिनेमा से जुड़ा हुआ है। चाहे कोई अमीर है, चाहे मिडिल क्लास है, चाहे अपर क्लास है, सभी लोग सिनेमा से जुड़े हुए हैं। हालांकि पर्दे पर पूरा सच नहीं दिखाई जाता है, अधिकतर कहानियां होती हैं, कल्पनाएं होती हैं। जो हम देखते हैं सिनेमा में वो पूरी तरह से सच्चाई नहीं होती है। कहा भी जाता है जिन फिल्मों के बारे में कि ये किसी सत्य घटना पर आधारित है, वो भी पूरी तरह से सत्य घटना नहीं होती है। उनमें भी कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन किए जाते हैं, क्योंकि जो हकीकत है उसमें मसाला नहीं है जिसमें आपको मजा आए। और सिनेमा होता है एंटरटेनमेंट के लिए। किसी भी रियल स्टोरी में, किसी की भी रियल स्टोरी में अपने आप में कुछ मजेदार नहीं होता है बेटा। हर किसी के अपने संघर्ष होते हैं। उसको अगर आपने एंटरटेनिंग बनाना है तो उसमें कुछ स्पाइसेस डालने पड़ेंगे, कुछ ट्विस्ट डालने पड़ेंगे। वो कहां से आते हैं? कल्पनाओं से। तो सिनेमा कई कलाओं का समन्वय होता है, यानी कि कई कलाओं का एक तरह से कलेक्शन है ये, इसलिए इसको प्रभावी बनाने के लिए कई तरह के प्रयोग भी किए जाते हैं बेटे। फिल्म में दृश्य, कहानी, तकनीकी, स्पेशल इफेक्ट, गीत संगीत, सभी का अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है। सभी की सभी चीजें अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण होती हैं। फिल्म के निर्माण में जहां बेहतर कहानी और तकनीकी के साथ साथ अच्छे लेखक और अभिनेता की भी जरूरत होती है। फिल्म में जहां कहानी चाहिए होती है, बेहतर तकनीकी चाहिए होती है, उसके साथ साथ ही अच्छा लेखक और अच्छा अभिनेता भी चाहिए होता है। मतलब कहानी आपके पास है, लेकिन अगर आपने डायलॉग अच्छे नहीं लिखे हैं तो लोगों की जुबान पर नहीं चढ़ते हैं, लोग उनको इतना पसंद नहीं करते हैं, इससे फिल्म को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है। कोई बड़े अभिनेता की फिल्म होती है उसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं उसके लिए, क्योंकि उसका अपने आप प्रमोशन हो जाता है कि अरे उस एक्टर की फिल्म आ रही है, तो उसको बहुत ज्यादा प्रचार नहीं करना पड़ता है। हालांकि किसी छोटे हीरो की कोई फिल्म होती है तो उसको प्रचार ज्यादा करना पड़ता है। जैसे आप देखिए अभी फिल्म आई 12th फेल, जो फिल्म आई उसको उतना जो है क्या कि एक तरह से हाइप नहीं मिला जितना एनिमल को मिला, क्योंकि इसमें छोटे कलाकार थे। फिर जो है एक तरीके से उतने बड़े कलाकार नहीं थे जितने की बड़ी फिल्मों में होते हैं। छोटे बजट की फिल्म थी इसलिए वो हाइप नहीं मिल पाता है। हालांकि फिल्म बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं अगर हो सकता है कि बड़े एक्टर्स होते तो शायद हमें ऐसा लगता है कि भाई क्या पता ये कुछ ज्यादा अच्छा कर पाती। हो सकता है ना भी कर पाती, लेकिन ऐसा माना जाता है कि बड़े एक्टर जो होते हैं, जिन्हें की अच्छे अभिनेता माना जाता है, अच्छे लेखक माना जाता है, वो लोग करते तो शायद ये फिल्म और अच्छा कर पाती। अब सिनेमा के दृश्य जो होते हैं वो पटकथा जो होती है फिल्म का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। पटकथा मतलब फिल्म की टोटल कहानी जो पर्दे पर दिखाई जा रही है, वो फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कहानी को दृश्यों में विभाजित करना पटकथा कहलाता है। कहानी को आपने सीन्स में डिवाइड कर दिया, ये पटकथा कहलाता है। मतलब अलग अलग सीन बना दिए और दृश्यों के द्वारा ही सारे के सारे दृश्य जुड़ करके ही कहानी को विस्तार देते हैं, कहानी आगे बढ़ती है। पटकथा लेखक को फिल्म की बारीकियों का ज्ञान होना चाहिए। जो भी कोई पटकथा लिख रहा है कहानी की, फिल्म की, उसको फिल्म की बारीकियों का ज्ञान होना चाहिए। इसमें एक्सपर्टिज्म होता है बेटा, हर कोई पटकथा नहीं लिख सकता है। मैं चाहूँ कि मैं पटकथा लिख दूँ फिल्म की, तो उसके लिए पहले मुझे ट्रेंड होना पड़ेगा, तब मैं पटकथा लिख पाऊंगी। हर काम की बेटा कुछ बारीकियां होती हैं जिनको सीखने के बाद ही हम उस काम को परफेक्शन से कर सकते हैं। तो यही बात फिल्मों के मामले में भी होती है बेटे। निर्देशक सबसे पहले एक अच्छी कहानी का चुनाव करता है। जो डायरेक्टर होता है, निर्देशक होता है, वो पहले एक अच्छी कहानी का चुनाव करता है और फिर उसकी पटकथा लिखी जाती है। कहानी जो होती है अपने आप में बेटे पटकथा नहीं होती है। कहानी को इस तरीके से ढाला जाता है कि उसके डायलॉग लिखे जाते हैं, बैकग्राउंड तैयार किया जाता है ताकि उसे मंच पर दिखाया जा सके, उसको उसके ऊपर एक्टिंग की जा सके, ऐसे उसको तैयार किया जाता है, इसे पटकथा कहते हैं। सिनेमा के दृश्यों को लिखने के लिए उसकी तकनीकी को समझना बहुत जरूरी होता है। कई बार बहुत खराब कहानी जो होती है उसकी पटकथा भी इतनी अच्छी हो जाती है कि फिल्म बहुत सफल हो जाती है। कई बार अच्छी कहानी पर भी अगर पटकथा नहीं अच्छी लिखी गई तो फिल्म सफल नहीं हो पाती है। तो कहानी को दृश्य में प्रस्तुत करने की कुछ शर्तें होती हैं जिनको कि किसी भी लेखक को या निर्देशक को थोड़ा पूरा करना पड़ता है, जैसे कि निरंतरता। कहानी को दृश्यों में बांधने की पहली शर्त यही होती है कि उसमें
निरंतरता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, कहानी कहीं भी ऐसे न लगे कि कहीं बीच में टूट गई, कहीं कुछ मिस हो गया, ऐसा दृश्य देखने वालों को नहीं लगना चाहिए। पटकथा लेखक कहानी के अनुसार दृश्यों को बांट लेता है, जो भी पटकथा लेखक होता है वो पूरी कहानी को दृश्यों के हिसाब से पूरी कहानी को बांटता है, कौन से सीन में क्या चीज दिखानी है, कौन से सीन में क्या चीज दिखानी है, इस तरीके से पूरा बांटता है। और एक साथ में कई कहानियां कई बार चल रही होती हैं, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, साथ में कुछ साइड हीरो होते हैं, कुछ सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं, सबकी अपनी अपनी कहानी फिल्म में चल रही होती है। तो लेखक उन सारी की सारी कहानियों को बांट करके उनके लिए दृश्य तैयार करता है। सारे के सारे दृश्य में हीरो ही थोड़ी होता है, हीरोइन ही थोड़ी होती है बेटा फिल्म में, है ना। उनके साथ में जो भी सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं उनकी भी सबकी अपनी अपनी एक कहानी होती है, वो भी पैरेलल में चल रही होती है, तो उसको भी वहां पर तैयार किया जाता है। तो पहला तो होता है कहानी को दृश्य में प्रस्तुत करने की शर्तों में निरंतरता, दूसरा होता है तकनीकी पक्ष। दृश्य लिखते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि वो विजुअल और ऑडियो, यानी कि एक तरह से ऑडियो विजुअल होना चाहिए, बिना ध्वनि के कोई भी दृश्य तैयार नहीं हो सकता है। कोई भी दृश्य जब दिखा रहे हैं तो इसमें पीछे साउंड क्या होगा, डायलॉग होंगे या कोई बैकग्राउंड म्यूजिक होगा, क्या चीज होगी दृश्य में, वो चीज जरूरी होती है। आपने देखा होगा आमतौर पर फिल्मों में जहां पर डायलॉग नहीं भी होते हैं वहां पर भी कोई ना कोई बैकग्राउंड म्यूजिक होता है जो कि उस सीन को सपोर्ट कर रहा होता है, उस सीन को सत्यापित कर रहा होता है। तीसरी शर्त होती है रचनात्मकता की। बेटा एक जैसे सीन अगर आप सारे के सारे लिख दोगे तो कौन देखने जाएगा, कई बार तो स्पेशल सीन देखने के लिए लोग पहुंचते हैं सिनेमा हॉल में, थिएटर में, कि बड़े पर्दे पर देख करके आएंगे। तो दृश्य लेखन की सबसे बुनियादी चीज होती है क्रिएटिविटी, यानी कि रचनात्मकता। तो कहानी कहने वाला कहानी में अपनी बात कह चुका होता है, कहानी जिस पर आप फिल्म बनाने जा रहे हैं वो कहानी पूरी किसी ने लिख दी है, अब तो आपको उसको दृश्यों में बांधना है। ये आपके सामने चैलेंज है कि आप उसे दृश्यों में कैसे बांधेंगे, तो उसके लिए कहीं ना कहीं अपनी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ती है, ताकि जो कहानी है उसका दृश्यांकन बेहतर तरीके से हो, ताकि लोग उसे देखने के लिए थिएटर तक आए। इसके बाद अगली चीज जो होती है, अगली शर्त होती है, वो तो दृश्य लेखन की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, समय सीमा। ये बेटा पटकथा लेखन की हम लोग शर्तें पढ़ रहे हैं, दृश्यों की भी अपनी सीमा होती है, समय सीमा होती है, दृश्य को आप बहुत लंबा नहीं दिखा सकते। फिल्म में अगर कोई एक सीन बहुत लंबा चल जाए तो ऑडियंस बोर होने लग जाती है, किसी के डायलॉग्स हैं लगातार दो लोग बोले जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, ऐसे चलता रहे तो लोग उसको फिल्म को डॉक्यूमेंट्री जैसा लगने लग जाता है, लोग उसको देखते नहीं है, पसंद नहीं करते हैं उस सीन को। साथ में सामयिकता, यानी कि दृश्यों में सामयिकता होनी चाहिए, पुरानी कहानी या बार बार दोहराई गई कहानी को कोई भी देखना नहीं चाहता है। हालांकि कहानी कितनी भी पुरानी हो, पटकथा लेखक उसे इस तरह से विकसित करे कि वो अपने समय से जुड़ी हुई लगे। कोई भी कहानी है, इतिहास की कहानी है, उसको लेकर के आप ऐसे करना चाहते हैं कि वो आज से जुड़ी हुई लगे, तो सामयिकता होनी चाहिए। लेकिन सामयिकता ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जैसे आदि पुरुष में दिखाई गई थी कि डायलॉग ऐसे ऊटपटांग लिख दिए कि लोगों को रास ही नहीं आए। तो सामयिकता को बनाए रखने के लिए कहीं भी ऐसा बचकाने एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए, सामयिकता बनाए रखने के लिए चीजों को सही तरीके से, सभ्य तरीके से कनेक्ट करना चाहिए। अगला है आपका संप्रेषणीयता, मिश्र से कम्युनिकेटिव होना चाहिए फिल्म को, जो दृश्य है वो संप्रेषणीय होने चाहिए, यानी कि जो संदेश देने की कोशिश की जा रही है दृश्य में वो संदेश लोगों तक पहुंचे, है ना, वही संदेश पहुंचे। कई बार आपने देखा है कि किसी छोटी सी शॉर्ट पर, एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसी ने एक शॉर्ट बनाया, उसमें कोई फोटो लगा दी और उसके ऊपर कोई मीम लिख दिया, तो लोग अगर फोटो देखेंगे तभी मीम समझ में आएगा, लेकिन जो मीम है वो इतना बड़ा बड़ा लिख दिया गया कि लोगों की फोटो पर नजर ही नहीं जा करके टिकी, तो लोग केवल उसको जो पढ़ा उसी को देख करके वहां से उसको ओवरलुक करके चले गए, तो लोगों को चीज समझ में नहीं आई। तो इससे क्या होता है कि वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाता है कि जो मिलना चाहिए था, तो ये संप्रेषणीयता कहीं ना कहीं टूट गई। इसलिए बिना संप्रेषण के जो साहित्य है वो असंभव होता है, सिनेमा असंभव होता है, इसलिए संप्रेषणीयता बनी रहनी चाहिए, यानी कि जो संदेश दिया जाना चाहते हैं, कोई भी जो संदेश देना चाहते हैं वो पहुंचना चाहिए ऑडियंस तक, और जो आपके व्यूअर्स हैं उन तक पहुंचना चाहिए। अगली चीज है तकनीकी। सिनेमा और तकनीकी का संबंध शुरू से ही है बेटा, सिनेमा तो अपने आप में ही एक तकनीकी है, तो जब फिल्मों का निर्माण शुरू हुआ था तो तकनीकी उसके साथ तभी से जुड़ी हुई थी। फिल्मकारों ने फिल्म को प्रभावी बनाने के लिए बहुत सारे प्रयोग किए, ये प्रयोग सिनेमा को आम जनता से जोड़ने में भी काफी सहायक हुए। सिनेमा के लिए जो जो एक्सपेरिमेंट किए फिल्मकारों ने, वो कहीं ना कहीं सिनेमा को आम लोगों से जोड़ने में भी कहीं ना कहीं सहायक हुए, जैसे कि बादल, बारिश, जानवरों की आवाज, डबल रोल के लिए कई तरह की तकनीकियों का इस्तेमाल फिल्मों में खूब किया गया, है ना। तो आजकल आप देखते हैं स्पेशल इफेक्ट दे दिए जाते हैं, जो सीन आप वैसे नहीं फिल्माइज कर सकते हैं उनके लिए कंप्यूटर से वो सीन जनरेट कर लिए जाते हैं। 1870 में जन्मे हिंदी सिनेमा के जनक
फाल्के को सिनेमा बनाने के लिए तकनीकी ज्ञान की जब आवश्यकता पड़ी और चित्रकला और वास्तुकला में वो निपुण थे, हालांकि वो पेंटर थे एक तरीके से और कहीं ना कहीं वास्तुकला के भी ज्ञानी थे, लेकिन जब उन्हें एक सिनेमा बनाने का जब ये हुआ कि मुझे सिनेमा बनाना है तो फिल्म बनाने के लिए, फिल्म के निर्माण की जो तकनीकी थी उसे सीखने के लिए बेटे लंदन गए थे। लंदन में उन्होंने बोल्टन स्टूडियो में पूरी तरह से फिल्म बनाने की तकनीकी ज्ञान को अर्जित किया, वहां जाकर के सीखा पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी, सीखी कि सिनेमा कैसे डेवलप किया जाता है, कैसे फिल्म बनाई जाती है। आज के सिनेमा में 70% तकनीकी होती है बेटा, आजकल टेक्नोलॉजी ही होती है आमतौर पर, बाकी की चीजें जो है बहुत कम होती है, क्योंकि फिल्मों में स्पेशल इफेक्ट का इतना ज्यादा इस्तेमाल बढ़ गया है कि कहानी और संवेदनाएं लगभग शून्य होती चली जा रही है। बाहुबली जैसी फिल्में तो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर ही आधारित है, पूरी तरह से तकनीकी पर ही आधारित रही है बेटा। नायक का पहाड़ों या पेड़ों पर कूदना, शिवलिंग को उठाना, युद्ध में जानवरों से लड़ना, ये सब कुछ बेटा इमेजिनरी है, आभासी है, सब कुछ कंप्यूटर पर जनरेट किए गए सीन है सारे के सारे। और हिंदी सिनेमा में तकनीकी का सबसे ज्यादा प्रभाव जो हुआ है वो कॉमर्शियल फिल्मों पर पड़ा है, व्यावसायिक फिल्मों पर पड़ा है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्पेशल इफेक्ट्स पर जो प्रयोग होता है वो कॉमर्शियल फिल्मों में यानी कि व्यावसायिक फिल्मों में ही किया जाता है। 2000 के बाद तकनीकी के नए संसाधनों ने सिनेमा की राह तो आसान बनाई, लेकिन संवेदना को हाशिए के बाहर फेंक दिया बेटा। सन 2000 के बाद से फिल्मों में स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह तो दिखाए जा रहे हैं, नए रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इमोशंस फिल्मों में से धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं, लोग उनके साथ उतनी अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत चर्चित निर्देशक निर्माता राकेश रोशन की जब बात आती है तो आपको ऋतिक रोशन ऑटोमेटिकली याद आ जाते होंगे। तो उन्होंने जितनी भी फिल्में अपने बेटे के लिए बनाई यानी कि ऋतिक रोशन के लिए बनाई, उन सभी की सभी फिल्मों में वो तकनीकी का प्रयोग करते हैं, सभी में उन्होंने तकनीकी का इस्तेमाल किया है, चाहे वो कहो ना प्यार है हो या फिर आपकी क्रिश हो या जो कोई मिल गया हो, बहुत सारी फिल्में थी बेटा, मुझे सबके नाम याद नहीं है, तो उन सभी में उन्होंने टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया है। शॉर्ट फिल्में जो होती हैं आजकल आप अपने फोन पर भी कई बार बना लेते हैं, कहीं से भी आप लोग इंस्टा पर या यूट्यूब पर जो छोटे छोटे शॉर्ट बना करके डालते हैं, उन्होंने भी कई बार जो शॉर्ट फिल्में थी उन्होंने भी आम आदमी को सिनेमा बनाने के लिए प्रेरित किया है ना। शॉर्ट फिल्में आजकल पूरी दुनिया में छाई हुई है, ये फिल्में पूरी तरह से तकनीकी पर ही केंद्रित है बेटा। आप लोग देखते हैं आप कोई वीडियो बना लेते हैं उसमें ऊपर से आप उसमें क्या कहते हैं टेक्स्ट अलग से टाइप कर देते हैं, उसमें आप म्यूजिक अलग से ऐड कर देते हैं, किसी एक ही वीडियो पर आप जो चाहे वो म्यूजिक आप उसमें ऐड कर सकते हैं, तो ये क्या है, सब कुछ ये टेक्नोलॉजी ही है। मोबाइल और छोटे कैमरे से भी आजकल बड़ी मात्रा में फिल्मों का निर्माण हो रहा है, इसमें गली मोहल्ले से लोग निकल करके फिल्में बना रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप लोग खुद भी बनाते होंगे बेटा काफी बच्चे, तो ये क्या है, ये शॉर्ट फिल्में हैं जो कि हम लोग सभी लोग बना रहे हैं। इसके बाद बात आती है एनिमेशन की, एनिमेशन का इस्तेमाल भी सिनेमा में काफी हो रहा है बेटे, एनिमेशन में सोचे कार्टून फिल्में बनाने का, तो एनिमेशन एक तरह का दृष्टि भ्रम होता है, एक तरह से आंखों का धोखा ही होता है बेटे, क्योंकि ये सामान्य मानव नेत्र की क्षमता के कारण महसूस होता है, जो हमारी आंखें हैं उनकी जो कैपेसिटी है बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ आर आईज, अगर कोई चीज दिखाई जाएगी तो हमें वो देखने में कहीं ना कहीं भ्रम होता ही है। एनिमेशन फिल्मों का मार्केट बहुत तेजी से बढ़ा है बेटा, आजकल लोग बहुत ज्यादा पसंद करने लगे हैं, केवल फिल्मों में ही नहीं सीरियल्स में भी आपने देखा होगा बहुत सारे कार्टून सीरियल फिल्में वगैरह आ रहे हैं, और यहाँ तक कि पौराणिक ऐतिहासिक कहानियां जो हैं वो भी एनिमेशन के जरिए बच्चों को दिखाई जा रही है, जैसे कि गणेशा, हनुमान, श्री कृष्णा, श्री राम, परशुराम जैसी पौराणिक और फिल्में बहुत बच्चों को दिखाई गई हैं, बुद्ध, शिवाजी जैसे ऐतिहासिक पात्र जो रहे हैं उन पर भी एनिमेशन की फिल्में बनी हैं और काफी सक्सेसफुल रही हैं, बहुत पसंद की गई हैं। अभी कुछ दिन पहले बेटा मैं एक देख रही थी, किसी ने एनिमेशन के जरिए पूरा हिस्ट्री का एक चैप्टर समझाया हुआ था, मैंने खुद भी कोशिश की थी बेटा एनिमेशन बनाने की, दो बैलों की कथा मैंने बनाया था एनिमेशन में, मैंने देखा बहुत मेहनत पड़ती है उसको बनाने में, लेकिन बच्चे उसको पसंद करते हैं, बच्चे क्या बड़े भी पसंद करते हैं, और लोगों को वो चीजें याद भी लंबे टाइम तक रह जाती हैं जो एनिमेशन में देखते हैं, इसलिए एनिमेशन आज भी बहुत पॉपुलर हो रहा है। अवतार जैसी फिल्में हों या फिर जादू जैसे दिखाया गया था वो एनिमेटेड ही था एक तरीके से, तो ये सारे के सारे कैरेक्टर जो है एनिमेटेड ही है। अब कहानी, फिल्म में कहानी सबसे महत्वपूर्ण होती है, बल्कि कहा जाए कि पहली कड़ी तो ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी, किसी भी फिल्म में कहानी जो होती है वो सबसे पहली कड़ी होती है, बिना कहानी के फिल्म का निर्माण संभव ही नहीं है, कहानी का विस्तार ही सिनेमा होता है, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे सिनेमा आगे बढ़ता है। भारतीय समाज में किस्सा कहानी सुनाने की परंपरा बहुत पुरानी है बेटा, शुरुआत में कहानियां ही हमारे जीवन का हिस्सा हुआ करती थी, हम लोगों ने अपने दादा दादी से, नाना नानी से कहानियां सुनी है, आप लोगों ने अपनी मम्मी से, दादी से कहानियां सुनी होंगी जरूर या किताबों में पढ़ी होंगी,
तो जब हमारे पास मनोरंजन के साधन नहीं थे तब कहानियां ही सहारा हुआ करती थी। हमसे पहले के समय में बेटा बहुत पुराने समय से कहानियां सुनने सुनाने के सुनाने का रिवाज चला आ रहा है, और प्राचीन समय में ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को लोक भाषा और लोक कथाओं में सुनाया जाता था। इसके बाद धीरे धीरे बेटे टाइम बदला, लोगों ने धीरे धीरे उसको नाटक की तरह से दिखाना शुरू कर दिया। रामलीला, रासलीला आपने पढ़े हैं, माच, नौटंकी, ये सारे के सारे क्या हुआ, ये एक तरह से दिखाना शुरू कर दिया। फिर थिएटर आ गया पंजाबी, जो एक पारसी थिएटर इंडिया में आया, उसको लोग देखते थे, है ना। उसके बाद धीरे धीरे सिनेमा डेवलप हुआ, लोग सिनेमा की तरफ को जो है क्या क्या शिफ्ट हुए। तो कुछ लोग सिनेमा को सामाजिक परिवर्तन का आधार मानते हैं, तो कुछ लोग केवल मनोरंजन का साधन मानते हैं। ये भी एक फिल्म सिनेमा के सामने एक बड़ी चुनौती है। ये चुनौतियां तो सारी की सारी थी फिल्म के निर्माण की वजह से। ये फिल्म निर्माण में क्या क्या चुनौतियां आती हैं? फिल्म निर्माण में आती हैं चुनौतियां, सबसे पहली आती है निरंतरता की, फिर तकनीकी पक्ष की, रचनात्मकता की, समय सीमा की, सामयिकता की, संप्रेषणीयता की और तकनीकी की। और साथ में इसके बाद हमने पढ़ा कि शॉर्ट फिल्में किस तरीके से चुनौती दे रही हैं फिल्मों को, और कहानी होनी चाहिए फिल्म में, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हम लोग जब आए यहाँ पर तो हमने देखा कि हाँ, कहानी पर हम लोग आ गए थे, कहानी की चर्चा कर रहे थे हम लोग। कहानी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो साथ में हम लोग एक ये चर्चा कर रहे थे कि कुछ लोग सिनेमा को सामाजिक परिवर्तन का आधार मानते हैं, तो कुछ लोग केवल मनोरंजन का साधन मानते हैं। इसके कारण क्या है? क्योंकि सामाजिक परिवर्तन का आधार कुछ लोग मानते हैं, उनका कहना है कि सिनेमा जो है वो समाज में परिवर्तन ला सकती है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि केवल मनोरंजन का साधन है, क्योंकि सिनेमा का जो एक तरह से निर्माण किया जाता है वो केवल बिजनेस के लिए किया जाता है, पैसा कमाने के लिए किया जाता है, तो ये सामाजिक परिवर्तन नहीं कर सकती। एक टाइम में कहा जाता था कि सिनेमा जो है ये सभ्य समाज के लिए नहीं है। पुराने टाइम में बेटा जो बच्चे होते थे, लड़के होते थे, वो अपने घर से छुप करके सिनेमा देखने जाया करते थे। एक टाइम में सिनेमा की कहानियां जो होती थी वो भारतीय समाज में रचे बसे धार्मिक और ऐतिहासिक पात्रों पर हुआ करती थी, लेकिन तब भी फिल्में देखना कोई अच्छी चीज नहीं मानी जाती थी, एक अच्छी आदत नहीं मानी जाती थी। कारण उसके पीछे एक ये भी था कि स्त्रियों को उस टाइम पर खुलेआम नाचते गाते देखना लोग पसंद नहीं करते थे, और फिल्मों में महिलाएं भी हुआ करती थी, तो इसकी वजह से लोग पसंद नहीं करते थे। इससे पहले यूरोपियन फिल्में देख रहे थे लोग यहाँ पर भारत में, यूरोपियन फिल्मों में क्या होता था कि वहां की महिलाएं नाचती गाती होती थी, जैसे उसको देखना अच्छा नहीं माना जाता था। इसकी वजह से फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ, यूरोपियन जो लोग थे उन्होंने भी अपनी फिल्में यहाँ पर दिखाना कम किया, कि उनको भी ये पसंद नहीं आ रहा था कि हमारी महिलाओं को यहाँ के लोग नाचते गाते देखें। तो कहीं ना कहीं ये जो फिल्में थी उनमें जो महिलाएं थी वो या तो नाचती गाती दिखती थी या फिर खुलेआम समाज में अपनी बात रखा करती थी। तो ये बात यहाँ के लोग, हमारे यहाँ के जो लोग ट्रेडिशनल लोग जो रहे हैं, हमारे यहाँ कभी भी एक तरीके से प्रोग्रेसिव नहीं रहे थे, जो कि एक तरीके से ट्रेडिशनल रहा, कभी ट्रेडिशन पर क्वेश्चन नहीं किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं लोग पसंद नहीं कर पा रहे थे कि महिलाएं कैसे ऐसे खुलेआम समाज में अपनी बात रख रही हैं, कैसे नाच गा रही हैं, तो सिनेमा को अच्छी चीज नहीं माना जा रहा था। फाल्के की फिल्में भारतीय समाज की गहराई से इसलिए ज्यादा प्रभावित कर पाई बेटा, क्योंकि उनकी कहानियां जो थी वो उनकी आस्था और विश्वास से जुड़ी हुई थी। फाल्के जी की कहानियां तो यहाँ पर, फाल्के की फिल्में तो बहुत बाद में आई, उससे पहले यूरोप की फिल्में, अमेरिका की फिल्में जब यहाँ दिखाई जा रही थी, उसके बाद दादा साहेब फाल्के ने यहाँ पर जो है ऐतिहासिक फिल्में बनाई, पौराणिक कहानियों पर फिल्में बनाई, तो उनकी ओर भी लोग इसीलिए आए क्योंकि वो कहानियां जो थी वो धार्मिक कहानियां थी। फाल्के पहली जो फिल्म बनाना चाहते थे वो कृष्ण के जीवन पर बनाना चाहते थे। दादा साहेब फाल्के जो पहली फिल्म बनाना चाहते थे वो चाहते थे कि मैं इसे श्री कृष्ण के जो है जीवन पर बनाऊं, लेकिन वो चीज संभव नहीं हो पाई। इससे हम समझ सकते हैं कि निर्माता और निर्देशक जो होते हैं वो किसी फिल्म का निर्माण करते हैं तो उन्हें ऐसी कहानी चाहिए होती है कि जो समाज में प्रचलित हो या समाज में स्वीकार्य हो, समाज उसकी कहानी को, उसकी क्लाइमेक्स को, उसकी पूरी की पूरी स्टोरी को स्वीकार करे, ऐसी फिल्में बनाते हैं, ऐसी फिल्म बनाने में ही उनको फायदा होता है। बाद में उन्होंने राजा हरिश्चंद्र फिल्म का निर्माण किया। हालांकि राजा हरिश्चंद्र जो उन्होंने बनाई वो भी भारतीय समाज में एक आस्था का विषय थे। सत्यवादी हरिश्चंद्र को यहाँ पर लोग देवताओं की तरह ही पूजते थे, उनका भी पूरा सम्मान था, इसलिए जब राजा हरिश्चंद्र नाम से उन्होंने फिल्म बनाई तो उसको भी यहाँ पर पूरा प्रसिद्धि मिली, लोगों ने काफी उसको पसंद किया था। ऐतिहासिक कहानी का आधार लेकर बनाई गई फिल्म थी मुगले आजम, वो बहुत लोकप्रिय रही अपने टाइम में। इस फिल्म के मूल संवेदना प्रेम थी, मतलब मूल जो एक तरह से प्रेम पर आधारित फिल्म थी, प्रेम कहानी थी इस फिल्म में। इस कहानी में एक तरह से प्रेम की नई व्याख्या की, एक नए तरीके से प्रेम को यहाँ पर जो क्या परिभाषित किया इस फिल्म ने। जब गाना आया, जब प्यार किया तो डरना क्या, एक तरीके से ये गाना इतना पॉपुलर हुआ उस टाइम पर कि सभी लोगों की जुबान पर ये गाना चढ़ा हुआ था। इस फिल्म में कहानी में कई हिस्से थे,
लेकिन अनारकली और सलीम की प्रेम कहानी जो थी उसको लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद किया, और चीजों को लोगों ने उतना ज्यादा पसंद नहीं किया था पूरी फिल्म में। इस फिल्म के बाद दर्जनों प्रेम कहानियां जो बनी फिल्में, ऐसी फिल्में बहुत सारी बनी जिनमें प्रेम कहानियां थी। इस फिल्म के जब हिट हो गई एक फिल्म, भाई प्रेम कहानी पर बनी हुई कोई फिल्म हिट हो रही है, तो उस तरह की और लोगों ने भी कहानियां बनानी शुरू कर दी कि भाई ये फिल्में भी लोग यहाँ पर पसंद कर सकते हैं। इससे पहले क्या था, लोग मान ही नहीं पा रहे थे कि ऐसी फिल्में भी यहाँ पर चल सकती हैं। कहानी किसी भी फिल्म का प्राण तत्व होती है, मतलब किसी फिल्म की जान होती है। ऐसा कई बार होता है जब वर्षों की देखी गई किसी पीटी कहानी होती है, उस पर भी बनी हुई कोई फिल्म सुपरहिट हो जाती है। लेकिन ये तब होता है कि जब कहानी जो है उसको बड़े अच्छे तरीके से पटकथा लिखी जाए, कसी हुई कहानी हो, लोगों को उसको देखने के लिए थिएटर तक खींचा जा सके। कभी कभी बिल्कुल नए विषय पर बनी फिल्म भी जो होती है वो भी बड़ी मजबूत कहानी के कारण अभाव में दर्शकों में अपना स्थान नहीं बना पाती है। आपने बिल्कुल नया टॉपिक ले लिया, नई कहानी ले ली, लेकिन एक ऐसा नया विषय है उस पर कहानी लेकिन आपकी मजबूत नहीं है। कोई नया आपने विषय लिया लेकिन कहानी आपने स्ट्रांग नहीं ली, तो दर्शकों में वो अपने लिए जगह नहीं बना पाती है। क्योंकि कहानी जो होती है वही सिनेमा की धुरी होती है, जिसके चारों तरफ निर्देशक, निर्माता, कलाकार और बाकी सभी लोग जो होते हैं फिल्म से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। जहां निर्देशक के लिए फिल्म ही कहानी की आधार वस्तु होती है, वहीं निर्माता अच्छी कहानी पर ही पैसा लगाने के लिए तैयार होता है। यानी कि निर्देशक जो है अगर उसे अच्छी कहानी नहीं मिलेगी तो फिल्म नहीं बनाएगा, और जो निर्माता है वो भी उसमें पैसा नहीं लगाएगा। यहाँ तक कि एक्टर एक्ट्रेसेस जो होते हैं वो भी, अगर आपने कहानी सुनाई है उनको वो कहानी पसंद नहीं आई तो आपकी फिल्म में काम करने के लिए तैयार नहीं होते। 70 और 80 के दशक में जावेद और सलीम की जोड़ी ने जिन फिल्मों की कहानी तैयार की, वहीं से सिनेमा की एक नई धारा का आरंभ होता है। यानी कि 70 और 80 के दशक में जावेद और सलीम ने जो फिल्मों की कहानियां तैयार की, वहां से कहानियों का एक स्टाइल चेंज हो गया। अमिताभ का चेहरा बिल्कुल शांत था लेकिन उसके पीछे गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन दिखाई पड़ती थी, तो सलीम जावेद ने अपनी बहुत सी कहानियों में इसको कैश किया। बहुत सी कहानियों में एंग्री यंग मैन की भूमिका अमिताभ बच्चन की उन्होंने बहुत कैश किया, एक तरीके से उसका बहुत फायदा उठाया। और सलीम जावेद की लेखनी ने दर्शकों को इतना ज्यादा प्रभावित किया था कि लोग बार बार सिनेमा देखने के लिए लौटते थे, इनकी फिल्मों को कई कई बार जाकर के देखा करते थे। तो अपनी कहानी में इस नायाब जोड़ी ने ताली पिटाऊ संवाद और दिल में बस जाने वाले दृश्यों को अपनी फिल्मों में पूरा स्पेस दिया। मतलब कि इनके डायलॉग ऐसे होते थे कि जिनमें एक एक डायलॉग पर लोग खड़े होकर तालियां बजाते थे, और रिवर्स रिवर्स की एक बार और करके वहां से जो है फिल्म को थोड़ा सा रिवर्स करके वहां पर दिखाया जाता था थिएटर में। जैसे अमिताभ बच्चन के बहुत सारे डायलॉग थे जिनमें से एक था, डॉन को पकड़ना नामुमकिन नहीं, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, या फिर हम जहाँ खड़े होते हैं वहां से लाइन शुरू होती है। इस तरह के बहुत सारे डायलॉग थे जिनपे लोग थिएटर में तालियां बजाया करते थे और उनको बार बार यहाँ वहां इस्तेमाल किया करते थे, बोला करते थे। इन्हीं डायलॉग्स के ऊपर पूरी पूरी फिल्में चल जाती थी, लोगों को डायलॉग याद रह जाते थे, लोगों की जुबान पर चल जाते थे। ऐसे संवाद जो होते थे अमिताभ बच्चन को इन्होंने एक नायक के रूप में यहाँ पर स्थापित किया, जो कि भारतीय नौजवानों की मानसिक चेतना के संबल बन गए। मतलब भारतीय नौजवानों की एक तरह से वो फेवरेट एक्टर बन गए उस टाइम पर, पसंदीदा कलाकार बन गए, और अमिताभ बच्चन को लोग उस टाइम पर बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे। समय के आज भी करते हैं, लेकिन उस टाइम पर जब ये नए नए आए, इनकी कई फिल्में पहले फ्लॉप हुई लेकिन बाद में जब ये चले तो खूब चले। समय के साथ फिल्म की दशा और दिशा में भी भारी परिवर्तन हुआ, फिल्म की कंडीशन भी बदल गई, डायरेक्शन भी चेंज हो गई। आज के युवा निर्देशक अपनी फिल्मों में नए नए विषय लेकर के आ रहे हैं। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो आजकल जो युवा निर्देशक हैं वो फिल्मों में नई नई कहानियां लेकर के आ रहे हैं, जो किसी और विषय पर हैं, किसी और विषय पर हैं। जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे तो बड़े बड़े नए नए विषय निकल करके फिल्मों के लिए लाए जा रहे हैं। ऐसे ऐसे विषय लाए जा रहे हैं कि जिनको संस्कृति और आदर्श के नाम पर पहले छुपा कर रखा जाता था, जिनके बारे में कोई बात नहीं करता था, उन पर अब फिल्में बन रही हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके लिए सिलेबस में एग्जांपल दिया गया विकी डोनर का, जो कि स्पर्म डोनेशन पर बनी हुई फिल्म है, पहली फिल्म है इस तरीके की जिसमें कि इस टॉपिक को उठाया गया है। और मसान एक ऐसी फिल्म है जिसमें नायक जो है वो मुर्दे जलाने का काम करता है, वो अपनी जिंदगी में इस चीज से ऊपर उठना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। तो प्रेम कहानी पर आधारित ये फिल्म ये बताती है कि हाशिए पर खड़ा जो समाज है वो भी अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहता है, अपने आप को कुछ बेहतर बनाना चाहता है। तो मसान जैसी फिल्म के नायक हैं, इनके ऊपर भी फिल्में अब बन रही हैं। ये पहले बिल्कुल उपेक्षित समाज था जिनको लोग बात करना, जिनके बारे में पसंद नहीं किया करते थे। बेहद साधारण लोकेशन पर बनी फिल्म है, कान समारोह में भी इसने काफी सम्मानित रही है ये फिल्म मसान, इसको काफी पुरस्कार मिले हैं, तो इस फिल्म की चर्चा भी आपके सिलेबस में की गई है। अब नए निर्देशक के रूप में आप अनुराग कश्यप को देख सकते हैं, जिनकी ब्लैक फ्राइडे, देवडी, गुलाल, गैंग्स ऑफ वासेपुर, दिवाकर बनर्जी की खोसला का घोसला, अवेयरनेस डे,
शंघाई, दिग्माशु धूलिया की हासिल, पान सिंह तोमर, रितेश बत्रा की लंच बॉक्स, ये सारी की सारी ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने फिल्मों में कहानी की भूमिका को पूरी तरह से बदल दिया। यहाँ से कहानियों में बिल्कुल अलग ही तरह की चीजें आ गई और इन्होंने समाज को एक तरीके से नए संदेश दिए। इनकी फिल्में जो हैं वो कहीं ना कहीं हमें ये विश्वास दिलाती हैं कि सिनेमा अभी पूरी तरह से व्यावसायिक नहीं हुआ है, बल्कि इसका सामाजिक सरोकार भी है, यानी कि समाज की परवाह भी करता है। अब बात आती है स्पेशल इफेक्ट की बेटा। फिल्मों के दृश्यों को प्रभावशील बनाने के लिए तकनीकी द्वारा स्पेशल प्रभाव डालने की प्रक्रिया को स्पेशल इफेक्ट कहा जाता है, जो कि आप सिनेमा में जिनकी शूटिंग नहीं की जा सकती, जिनके ऊपर आप एक्टिंग नहीं कर सकते, जिनकी वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, उनको कंप्यूटर के जरिए उन सीन्स को बना लिया जाता है और फिल्म में ऐड कर दिया जाता है। ये होते हैं स्पेशल इफेक्ट। तो पहले इनका इस्तेमाल विदेशी फिल्मों में ज्यादा होता था। स्टार ट्रेक, द बर्ड्स, किंग कॉन्ग एलियंस, टर्मिनेटर 3, जुरासिक पार्क, ये सारी की सारी जो फिल्में थी ये पूरी तरह से स्पेशल इफेक्ट पर ही आधारित थी। इनमें भरपूर सीन जो था इनका स्पेशल इफेक्ट का इस्तेमाल किया गया था और ये काफी पसंद भी की गई थी। तो हॉलीवुड में स्पेशल इफेक्ट का इस्तेमाल करीब 100 साल से हो रहा है और भारतीय सिनेमा के 100 साल में स्पेशल इफेक्ट ने सिनेमा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय सिनेमा में भी स्पेशल इफेक्ट इस्तेमाल किए जाते रहे हैं, लेकिन इतने ज्यादा तक इस्तेमाल नहीं किए जा रहे थे, अब किए जा रहे हैं और इनका भी एक अपना अलग ही रोल है। स्पेशल इफेक्ट के इस्तेमाल से फिल्मों में रोमांच बढ़ जाता है। हिंदी सिनेमा में जादुई, फंतासी और सामान्य विषय से हटकर बनी फिल्मों में स्पेशल इफेक्ट का प्रयोग खूब किया गया है, जैसे कि सती, संपूर्ण रामायण, महाभारत, प्रेम पुजारी, जुगनू, नागिन, महाभारत, जानी दुश्मन, पुरानी हवेली, हातिम ताई, आंटी नंबर 1, कृष, कोई मिल गया जैसी फिल्मों में स्पेशल इफेक्ट का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। इन फिल्मों में कहीं ना कहीं सीन्स में, कभी पूरी फिल्म में काफी स्पेशल इफेक्ट डाले गए। तो हिंदी सिनेमा में तकनीकी द्वारा बढ़ते स्पेशल इफेक्ट से फिल्म निर्माण की प्रक्रिया में भी काफी परिवर्तन आया। जब धीरे धीरे हम तकनीकी का स्पेशल इफेक्ट के लिए इस्तेमाल करने लग गए तो फिल्मों में भी काफी चेंजेस आ गए। उसके हिसाब से हमने शूटिंग करने के तरीके भी बदल लिए, उसके हिसाब से हमने कहानी भी बदल ली फिल्मों की, उसी के हिसाब से हमने कैरेक्टर्स भी एक तरीके से अलग तरह के लेने शुरू कर दिए, तो फिल्मों में शूटिंग का तरीका भी बदल गया। अगर कहानी में किसी पहाड़ को पहाड़ पर किसी पात्र को मान लीजिए कहानी है आपकी फिल्म की, उसमें कोई सीन दिखाना है जिसमें कि किसी पात्र को पहाड़ पर चढ़ते हुए दिखाना है या किसी ऊंचाई से कूदते हुए दिखाना है, तो उसे ऊंचाई पर चढ़ने की या ऊपर जाकर कूदने की जरूरत नहीं है, बल्कि स्पेशल इफेक्ट के जरिए पहाड़ और ऊंचाई दिखा दी जाती है। कोई जरा सी जगह में कूदेगा उसको ही ऊंचाई दिखा दी जाती है कि बंदा पहाड़ से कूदा है या फिर बहुत लंबी चढ़ाई पर जा रहा है, ऐसे दिखा दिया जाता है। तो स्पेशल इफेक्ट के द्वारा फिल्म को भव्य और शानदार बनाया जा सकता है। तो फिल्म जो है वो ग्लैमरस बन जाती है, शानदार बन जाती है। फिल्मों में राजाओं महाराजाओं का जीवन आराम से दिखा देते हैं सेट बना करके या फिर बैकग्राउंड चेंज करके, जंगल में जानवरों का जीवन दिखा देते हैं स्पेशल इफेक्ट के द्वारा। ये सब बहुत आसान हो गया है। अब साउथ की फिल्मों में बेटा VFX का भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अभी फिलहाल में आई थी फिल्म टोटल धमाल नाम से, उसमें भी स्पेशल इफेक्ट का भरपूर इस्तेमाल किया गया था। इस फिल्म में अजीबोगरीब जानवरों का पूरा एक जंगल बनाया गया है टोटल धमाल में, और इस जंगल के जानवरों द्वारा ही फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है, यानी कि फिल्म के जो नायक नायिका है एक तरीके से जंगल, वो जंगल के जानवर है जिन्हें की स्पेशल इफेक्ट से बनाया गया। अगली चीज आ जाती है बेटा, एक आइटम गीत। फिल्मों में आइटम सॉन्ग्स की अपनी एक इंपॉर्टेंस आजकल बन गई है। उपभोक्ता संस्कृति ने कलाओं को बाजारू तो बनाया ही है, विकृत विकृत भी कर दिया, मतलब बिगाड़ भी दिया है। कहीं ना कहीं बाजारू तो बन ही गई कलाएं और साथ साथ उनका रूप भी बिगड़ गया। सन 2000 के बाद हिंदी सिनेमा के भाव, शिल्प, संवेदना में काफी बदलाव आए हैं। दर्शकों को अपनी ओर खींचने के लिए सिनेमा हर तरह के एक्सपेरिमेंट करता है, जिनमें से कि एक आइटम सॉन्ग भी है। दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए फिल्मों में जबरदस्ती डाला गया ये गीत होता है, जिसकी कि फिल्म की कहानी से कुछ खास लेना देना होता नहीं है आइटम सॉन्ग का। इसका उद्देश्य केवल यही होता है कि फिल्म को सस्ती लोकप्रियता दिलाना, एक लोगों की जुबान तक गाना पहुंच जाए ताकि लोग फिल्म को देखने के लिए चले जाए। पुरानी फिल्मों में भी इस तरह की गीतों का इस्तेमाल हुआ करता था, लेकिन इतनी नग्नता नहीं होती थी जैसा कि आज दिखाई पड़ता है। बेटे फिल्म थी शोले, शोले में गीत था महबूबा महबूबा करके, वो भी एक आइटम सॉन्ग ही था एक तरीके से, जो कि हेलिन पर फिल्माया गया था। और शूल जैसी संवेदनात्मक फिल्म थी, शूल फिल्म बहुत ही ज्यादा एक तरह से इमोशनल फिल्म थी, एक संवेदनाओं पर बनी हुई फिल्म थी, उसमें भी गाना ऐड कर दिया गया, मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने, जो कि फिल्म में सबसे ज्यादा फिल्म से भी ज्यादा चर्चित हुआ था। जबकि शोल फिल्म जो थी पूरी तरह से संवेदनाओं पर आधारित फिल्म थी, बड़ी संवेदनशील फिल्म थी और एक सेंसिटिव सी मूवी थी, लेकिन उसमें भी एक आइटम सॉन्ग डाला गया जिसकी चर्चा फिल्म से भी ज्यादा हुई। लोगों ने फिल्म नहीं देखी लेकिन गाना कई कई बार देखा टीवी पर।
करण अर्जुन का गाना था छत पर सोया था बहनोई, ऐसे गीत जब प्रचलन में आए तो एक तरीके से इनको देखते हुए बाकी सब फिल्मों में भी आइटम सॉन्ग की डिमांड बढ़ने लग गई। दर्शक केवल इन गीतों को देखने के लिए बार बार सिनेमा हॉल की तरफ लौटे हुए, हमें केवल एक गाना देख करके आना है इसलिए हम लोग सिनेमा हॉल की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसे फिल्म देखने के लिए लोग बार बार गए। इन गीतों की लोकप्रियता को देख करके निर्देशक ने जबरदस्ती फिल्मों में आइटम गीत डालने शुरू कर दिए। जब देखा कि ये गीत पॉपुलर हो रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, तो निर्देशकों ने अपनी फिल्मों में जबरदस्ती के आइटम गीत ठूसना शुरू कर दिया। एक एक फिल्म में दो दो तीन तीन आइटम सॉन्ग डाल दिए गए। ऐसी ऐसी फिल्में भी आई, कई बार ऐसा लगा कि जो उनके नॉर्मल सॉन्ग थे वो भी आइटम सॉन्ग जैसे ही लग रहे थे मुझे तो चिकनी चमेली हुआ, शीला की जवानी, चिपकाले सैया, फेविकोल से जैसे आइटम सॉन्ग थे जो कहीं कहीं एक तरीके से अश्लीलता को ही विस्तार दे रहे थे। फिल्मों में इनको जबरदस्ती ठूसा जा रहा था, लोगों को दिखाया जा रहा था, लोगों ने देख भी रहे थे। इन गीतों में नाचते गाते युवाओं को गहराई से प्रभावित किया गीत संगीत। अब किसी भी फिल्म में भारतीय समाज में गीतों को संगीत को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है बेटा, बड़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और गीत संगीत भारतीय समाज की आत्मा माने जाते हैं। बिना संगीत के मानवीय सभ्यता का विकास संभव ही नहीं है ऐसा माना जाता है। और हमारे यहाँ तो प्राचीन काल से ही बेटा संगीत और गीत जो है मानव के साथ जुड़े हुए हैं। और ये भी माना जाता है कि गीत संगीत का जन्म जो है वैदिक काल से भी पहले हुआ है और गीत संगीत का आधार वेदों को माना जाता है। बड़े बड़े कवि और उनकी रचनाओं को गीतों के माध्यम से ही व्यक्त करते थे अपनी रचनाओं को। तो बड़े कवि हैं जो अपनी कविताएं गाकर के ही सुनाते हैं। आज की तारीख में आपने कुमार विश्वास को भी सुना होगा बेटे, है ना, वो अपनी कविताएं गाकर सुनाते हैं। तो मूक फिल्मों के प्रदर्शन के समय भी जब फिल्मों में आवाज नहीं थी, जब फिल्में मूक हुआ करती थी, तब भी लोक कलाकार जो हुआ करते थे वो पर्दे के पीछे से वाद्य यंत्र बजा करके यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा करके पर्दे पर जो कहानी चल रही होती थी उसको एक तरीके से लाइफ दिया करते थे, उसको एक तरह से जीवंत बनाए रखा करते थे। जब फिल्म चल रही होती थी तो पीछे सिनेमा जो पर्दे के पीछे म्यूजिक चल रहा होता था, ये पात्रों के हाव भाव के हिसाब से संगीत बजाया करते थे या फिर आवाज निकाला करते थे। मूक फिल्मों के बाद जब बोलती फिल्में शुरू हुई तो फिर कहानी के हिसाब से फिल्मों में गीत का प्रचलन बढ़ने लग गया। धीरे धीरे जैसी कहानी है उसके हिसाब से फिल्मों में गीत बढ़ने लग गए। कई बार ऐसा भी होता था कि गीत जो होते थे वही कहानी को आगे बढ़ाया करते थे। जैसे कि हीर रांझा फिल्म का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, उसमें हर गीत कहानी को आगे बढ़ाने के लिए जुड़ा हुआ है। 90 के दशक में आशिकी फिल्म को तो म्यूजिकल हिट ही कहा गया कि भाई ये तो कहानी ही एक तरह से म्यूजिकल हिट है क्योंकि उसके गाने इतने ज्यादा पॉपुलर हुए थे बेटे। क्योंकि तब मैं कैसे थी, 7th या 6th क्लास में थी, तो मुझे भी याद है कि उस वक्त जो है ये गाने गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ सुने जाते थे, देखे जाते थे, हम लोग स्कूलों में भी गाया करते थे, तो उस टाइम पर ये गाने बहुत पॉपुलर हुए थे आशिकी मूवी के। 60 के दशक में फिल्में गीतों से आगे बढ़ा करती थी। साहित्यकारों को सिनेमा में कम सम्मान मिला। साहित्यकार जो थे जैसे कि मुंशी प्रेमचंद जी जैसे थे, उन लोगों को फिल्मों में उतना सम्मान नहीं मिल पाया जितना कि उनके साहित्य में मिल रहा था। तो 60 और 70 के दशक में हिंदी फिल्मों में भारतीय लोक जीवन को बहुत करीब से देखा जा सकता है। 60 के 70 के दशक में जो फिल्में बनी उनमें जो आम जो लोगों का जीवन था, यहाँ के भारतीय लोक जीवन था, वो बहुत नजदीकी से दिखा। हालांकि साहित्यकारों को सम्मान नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। जैसे कि प्रेमचंद ने यहाँ पर एक फिल्म की कहानी लिखी तो बाद में पता चला कि भाई उन्होंने उनसे कहा गया कि यहाँ के लिए आप ये डायलॉग चेंज कर दिए, यहाँ के लिए सीन चेंज कर दीजिए। ऐसे करते करते इतना ज्यादा उनसे चेंजेस करवाए गए कि उन्हें ऐसे लगा कि मेरी तो कहानी की आत्मा ही मर गई है। उसके बाद उन्होंने फिल्मों के लिए कुछ भी नहीं लिखा। तो इस दौर की फिल्मों में लोक संस्कार, लोक भाषा का इस्तेमाल खूब गहराई से किया जाता था। जैसे गाना था, एक देश बने एक बंगला बने न्यारा, मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है, नदी नारे न जाओ श्याम पहिया पड़ूं, राधे रानी दे डारो ना बांसुरी मेरी, दिन के बीतत जात हैं सजनवा बैरी हो गए हमार, अवसर बीतो जाए रघुपति राघव राजा राम, आई आजा आई बहार, ये कौन आया आज सवेरे सवेरे चले पवन की चाल, ये कतिबे तकदीर मुझे इतना बता दे। जैसे जो गीत थे ये कहीं ना कहीं जनमानस की भावना को ही व्यक्त कर रहे थे। आम लोगों की भाषा थी, कई बार लोकल लोगों की भाषा भी थी। अभी आपने पुरानी छोड़ी, अभी नई फिल्मों में भी आपने देखा होगा, जैसे गीत आया था अभी राजनीति फिल्म में मोरा पिया मुझसे बोलत नाही, तो फिल्मों के गीत कहीं ना कहीं एक तरीके से कहीं भी चलते हैं, लोकल भाषा भी वहां पर चलती है लोगों के लिए। 80 और 90 के दशक में फिल्मी गीतों का स्वरूप बड़ी तेजी से बदला। इस दशक की फिल्मों में गीत संगीत की भरमार, बेहिसाब संगीत है इन फिल्मों में और फिल्में जो है वो गीतों के लिए देखी जाने लगी। मतलब फिल्में कहानी की बजाय गीतों के लिए देखने लगे लोग। इस समय में गुलजार, समीर, विशाल भारद्वाज जैसे गीतकार थे वो गीत लिख रहे थे।
90 के दशक में समीर का नाम बहुत जो है बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा था, बहुत ज्यादा प्रचलित रहा। उस दौर की लगभग हर सफल फिल्म में समीर ने गीत लिखे। जितनी भी फिल्में सफल हुई लगभग सभी के लिए समीर ने गीत लिखे थे। नाम मैं लूं तो दिल, आशिक